पूरी कैश, मतलब ये 60 रियाल, 60 रियाल पे करें, ये कैश पूरी लें, पूरी कैश आपको। और इसकी ये जगह देखें, एक तो इतना नरम ये उतरता जाता है। हुम्मस के ऊपर जनाब आला जैतून का तेल लगा हुआ है। ये वो तो आपने दो दिन पहले बताया था, पिछले 36 घंटे से कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं निकला। मेंटेन चेक करें यार। क्या मेंटेन? भाई चम्मच से लोग खाते हैं यहाँ पर। आपने पता है क्या किया, देखें आपने यूं उठाया और यूं खा लिया, ऐसे नहीं खाते। अस्सलाम वालेकुम, हम लोग अभी जा रहे हैं हमारे अब्दुर्रहीम भाई के पास और उनको मैं सरप्राइज करने वाला हूँ कि आप आज जितना मर्जी खाएं, एक ऐसी जगह पे लेके जाता हूँ कि जितना मर्जी खाएं यार मैं पे करूँगा। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और शुरू करते हैं आज। वैसे ये सामने मस्जिद जिन है, यहाँ पर हुजाज किराम आए हुए हैं ज़ियारत के लिए माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये मस्जिद उल हराम स्ट्रीट है और आगे उस तरफ गजा है, मस्जिद उल हराम है, इस तरफ अजीजिया, उसके अलावा आपका जुमेजा माबदा की तरफ रोड जा रहा है और वो ऊपर वाला रोड है हुजूम रोड। वैसे आजकल मौसम बहुत जबरदस्त है यहाँ पर मक्कतुल मुकर्रमा में। सुबह फजर टाइम जब मैं उठाऊँ तो 18 था दर्जा हरारत, बल्कि फजर के बाद मैं निकला था गाड़ी पे जब दर्जा हरारत मैंने देखी थी, और अभी दोपहर के तकरीबन कोई 1:45 है और दर्जा हरारत देखें 28। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पहले फोन तो उठा लें यार। भी कोई मसला है? मसला नहीं है, आज आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास। चिची? हाँ मैं खुद ही खोल लेता। यार ऑफर पता है क्या है? सबसे पहले मेरा चश्मा किधर है? आपका चश्मा ये पड़ा यार। आप चीजें उठा के, ये अमानत में आता है, इसकी मलकियत मेरी है, समझ आई? ठीक है ना, लेकिन आपने मुझे गिफ्ट किया है ना? नहीं मैंने ले लिया गिफ्ट समझ के। हाँ एक मिनट, एक मिनट। हाँ एकदम मस्त लग रहा है। सबसे पहले बताएं ये तीनों चीजें साथ में देख के आपको कैसा लग रहा है? सर आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप जितना मर्जी खाएं पैसे मैं दूंगा, और है भी इतना ही रेट के उतने पैसे दें फिर जितना मर्जी खाएं, और खास तौर पे मटन भी होता है। चलें जी, इस टाइम पे हम लोग फ्लामिंगो मॉल में आ गए हैं जो कि जद्दा अजीजिया में है, और यहाँ पर मॉल भी बड़ा जबरदस्त है। यहाँ पर बच्चों के खेलने वेलने की जगह है, अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो बड़ा जबरदस्त इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर फूड कोर्ट में अलबेक के साथ ही जो सबसे पुराना रेस्टोरेंट है वो है बारबेक्यू टुनाइट, जितना मर्जी खाओ मेरी तरफ से ऑफर है। हाँ चले आज कुछ खाने को मिलेगा। नहीं पहले तो नहीं मिलता, टोकने वाला भी कोई नहीं होगा भाई। हाँ ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि टोकने वाला कोई नहीं मिलेगा, वरना मैं जब तक भाई को टोकू ना तो मुझे मजा नहीं आता। आपको इतना खतरा नहीं है बाकी भाई नहीं है। देखे माशाल्लाह अच्छी ऑफर्स चल रही है इनके पास। अगर आप दोपहर को आते हैं तो 66 रियाल, किड्स के लिए 36, और अगर आप रात को डिनर के लिए आते हैं मगरिब के बाद 76, और बच्चों के लिए 46 रियाल। तो मेन्यू माशाल्लाह काफ़ी लंबा है इनका, अंदर चल के आपको मेन्यू दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं काजिम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू बहुत शुक्रिया काजिम भाई। अब आज असल बात यह है कि मेरे दोस्त ने ना जितना खाना है आपने इसको खिलाना है, इसको रोकना नहीं है। बिल्कुल 76.9 के अंदर आप जितना आपने खाना है आप खा सकते। कितना? 76। कितने आइटम? 2-3। अनलिमिटेड आइटम्स, प्रॉन्स, फिश, रिब्स। इन्होंने मुझे इनवाइट किया है, बारबेक्यू इनवाइट किया है। 200-300 रियाल मैंने इनका निकाला इनकी जेब से। धोखा हो गया भाई। आप बारबेक्यू टुनाइट आए हैं और आप नहीं 76 क्या मतलब? 76 में आपने जितना खाना है यार रियाल के अंदर अनलिमिटेड आप खा सकते हैं। तो मैं खुल के खिलाऊंगा, ये वो हिसाब। हाँ ये वो हिसाब है यार। देखें अगर आप खाना खा के कोई कमी रह जाए तो फिर असल बात ये है ना, लेकिन आपका 76 जाएगा इस बात का बड़ा दुख। हाँ ये मैंने 200-300 का तो ये वाला मेन हॉल है, मेन हॉल ही एक्टिव रहता है। जी जी मेन हॉल है। ठीक है आप बताए आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे? हम इधर ही इंशाल्लाह वहाँ पर शीशे के पास बैठेंगे ताकि व्यू मिले बाहर। जी जी ये हमारा मेन हॉल है। ठीक है और यहाँ पे जो है मोस्टली हमारा कस्टमर जो भी आता है यहाँ बैठता है, और बाकी हॉल्स के अंदर हम पार्टीज वगैरह के लिए होते हैं, और वीकेंड्स के ऊपर जब हमारे पास बहुत क्राउड होता है तो तीनों हॉल्स के अंदर सारे कस्टमर हमारे बैठे होते हैं। अगर आपने ओपन एरिया में नहीं बैठना है तो हमारे पास सेपरेट पोर्शन है, आप कॉर्नर के अंदर वहाँ पे भी बैठ सकते हैं। फैमिली के साथ सही अच्छी फैमिली के साथ फैमिली के साथ आप बैठ सकते हैं, कॉर्नर के अंदर अगर आपको बैठना है तो आप वो भी बैठ सकते। ये हमारा चिकन कॉर्न सूप, ग्रेट जबरदस्त माशाल्लाह। फ्राइड फिश, फ्राइड प्रॉन्स,
प्रॉन्स तो आपके माशाल्लाह जो है ना जबरदस्त, खास तौर पे ये जो चटनी है ना ये जरा देखें, ये मेरी बहुत फेवरेट है प्रॉन्स के साथ और फिश के साथ, इसका अपना मजा है जबरदस्त। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बिरयानी तो लाजिम है, चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी पूरा कराची स्टाइल ना, बिल्कुल आलू आलू डाला हुआ है आलू के साथ, बिल्कुल जबरदस्त। काबली पुलाव, काबली पुलाव है, काबली पुलाव जबरदस्त। पहले तो यखनी पुलाव बना रहे थे ना, अब जी अब काबली पुलाव, अब काबली पुलाव प्रॉपर जबरदस्त, इसमें प्रॉपर किशमिश वगैरह और किशमिश सब चीजों के साथ जो है, गाजर वगैरह हर चीज इसके ऊपर, गाजर बीफ में है ना, बीफ के अंदर चना हलवा पूरी के साथ। ओके हलवा पूरी तो फिर कब दोपहर को होती होगी, पूरी होल डे, होल डे पूरी, होल डे पूरी वाह। और साथ में बैंगन, बैंगन निहारी, निहारी जबरदस्त है, कराची स्टाइल जावेद निहारी वाली, बिल्कुल 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 जबरदस्त, ठीक है ना। और स्पेशल कढ़ाई, चिकन कढ़ाई और वो भी कढ़ाई के अंदर, हाँ चिकन कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर जबरदस्त। ये साथ में निहारी का गार्निशिंग वगैरह, निहारी का गार्निश है। ओके ये बटर चिकन और दाल तड़का जबरदस्त माशाल्लाह। ये हमारी हॉट एंड स्पाइसी फिश है और कड़ी पकौड़ा है, मतलब यहाँ पर एक किस्म का कॉन्टिनेंटल चल रहा है ना। जी बिल्कुल ऐसा, इंडियन डिश भी है, बटर चिकन है, साथ में ये चाइनीज भी है, बिल्कुल ऐसा ही, और साथ में कड़ी पकौड़ा, कड़ी पकौड़ा भी एकदम पंजाबी, पंजाबी ठीक है जी। व्हाइट राइस विद चिकन शाशलिक बारबेक्यू माशाल्लाह। और इस ये अपना हमारा पिशावरी सीख कबाब है ये, ओके, और फिश टिक्का है ये, बीफ में होते हैं पिशावरी सीख के अंदर, और फिश टिक्का, फिश टिक्का मतलब बारबेक्यू, बारबेक्यू क्या होता है ये, बारबेक्यू फिश टिक्का है हमारा, एक वो फिश थी वो फ्राइड थी, ये थी यानी कि दो आइटम फिश की हमारी जबरदस्त। ये हमारा रेशमी कबाब है चिकन के अंदर जबरदस्त, और ये रिब्स है इंशाल्लाह, इसके लिए मैं आपको जो है ना स्पेशली होल रिब्स जो हम नई स्पेशलिटी हमने रखी है टेक अवे के अंदर वो हम आपको सर्व करेंगे जबरदस्त। प्लेन नान भी है, रोगनी नान भी है, ठीक है जबरदस्त। ये हमारा सूजी हलवा और ये अपना जलेबी, ठीक है। अच्छा हलवा पूरी जो है हमारी सिर्फ लंच में होती है, सॉरी अच्छा सिर्फ लंच, लंच में होते, ठीक है इस टाइम पे पूरी नजर नहीं आई, पूरी नहीं है इसीलिए मैंने कहा ठीक है। और ये हमारे गुलाब जामुन, लेकिन हलवा और चने तो चलते रहते हैं, हलवा और चने चलते रहते हैं, खाली पूरी नहीं, पूरी जो है वो सिर्फ लंच में होती है जबरदस्त। और ये गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन माशाल्लाह, अभी 10 मिनट पहले आया था मैं, फुल था खाली हुआ है, गुलाब जामुन बहुत जबरदस्त। तो ये सारे आइटम आप यहाँ पर माशाल्लाह ताजे बना के रखते हैं? जी जी हमारा बिल्कुल फ्रेश बनता है, और जो भी बुफे में खत्म होता है वो फ्रेश बन बन के जो है बुफे के अंदर रिफल कर रहे होते हैं। हम बहुत सारी क्वांटिटी बना के नहीं रखते, और ये सामने आपको नज़र भी आ रहा है शीशे के अंदर कि फ्रेश बारबेक्यू जो है वो बन रहा है और वो बुफे के अंदर हम डाल रहे हैं। इसी तरीके से गर्मा गर्म नान आ रहे होते हैं, प्राउन्स हो गए, फिश हो गए, हॉट किचन के आइटम हैं, जैसे अभी आपने देखा चिकन कढ़ाई ताज़ी बन रही है, बिरयानी बन रही है, तो ये सारी आइटम फ्रेश जो है ना हमारी बनती है और डेली का डेली बनता है हमारे। अब्दुल रहीम भाई आज फिर छोड़ना नहीं है कुछ भी, आप चमचे उधर ही हैं, आपने स्पेशली जो है ना टेबल के ऊपर हमने इंतजाम किया हुआ है, आपको टेबल के ऊपर हम ला के देंगे सारे। अच्छा चलें जी माशाल्लाह, हाँ। खाना लग गया, प्राउन्स भाई के सामने आए हैं यहाँ पर, ये भाई के सामने, मेरे सामने क्या है भाई, कलर कलर ही यार, वाकई सही बात है। और खास तौर पे ये जो प्राउन्स है ना, इसकी जो चटनी है यार, मैं तो जब भी यहाँ पर बारबेक्यू टुनाइट पे आता हूँ ना, मैं प्राउन्स से ही शुरू करता हूँ, लेकिन आप मेरी मुखालफत करो ना नहीं करनी, इत्तेफाक करना है यहाँ पर जनाब आला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉन्स हैं हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास सीख कबाब हैं और स्पेशल रिब है, बहुत खूबसूरत, बहुत डिलीशियस, और मुंह में पानी आ रहा है ख़ास तौर पे जब मैं बता रहा हूँ। फतूश सैलड है यहाँ पर हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास फ्राइड फिश है, साथ में नान है और निहारी, अपना कढ़ाई गोश्त, बटर चिकन, सलाद, शाशलिक, और इस तरफ हमारे पास बारबेक्यू फिश टिक्का, मतलब सब कुछ है, फिश टिक्का है, सब कुछ है। अरे भाई बताने तो दो सारा। हाँ। और यहाँ पर रेशमी कबाब है हमारे पास, और इस तरफ है हुम्मस, रायता, और चटनी इस बार ये क्या चीज़ है, ये पपाया सॉस, पपाया सॉस, ओके, और ये स्पेशल फिश सॉस, और मैं आगाज़ भी इसी से करने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो ये जनाबे आला, ये सॉस के साथ हम लोग प्रॉन ट्राई करने जा रहे हैं, आप भी ट्राई करें भाई आप। जी सर। इस बार जूस या खा लिया आपने? हो गया, मैदे के लिए जगह बना रहा हूँ, मैदे को साफ कर रहा हूँ बिल्कुल, कि मैदान साफ हो। और लें प्राउन, लें इस सॉस के साथ, ये बहुत मजे का। मैंने डबल झींगा उठा लिया, प्राउन मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, और ख़ास तौर पे ये सॉस यार रेकमेंडेड, अगर आप प्राउन खाते हैं ना और लगे हाथों, फिश टिक्का भी हम लोग खा रहे हैं, नहीं पहले ऐसे खा रहे हैं बाद में सॉस की खाओ। यार सॉस का मैं इतना दीवाना हूँ, मैं चाहता हूँ कि सॉस के साथ ही जो मज़े लेने हैं ना हमने, सॉस के साथ। कैसा चेक करें? ऐसा जबरदस्त, नरम मुलायम,
जूसी, साथ में हमारे देसी मसालों का टेस्ट, क्या बात है यार। मुझे लगता है सॉस की ज़रूरत ही नहीं है, सॉस की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर मसाले इतने ज़बरदस्त हैं। ये हमारा फ्राइड फिश बोनलेस और अंदर से बड़ा ज़बरदस्त नरम, क्या बात है। इसको पपाया सॉस के साथ मैं ट्राई करता हूँ, पहले सादा और अब पपाया सॉस। पपाया का आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इस सॉस में फील होता है, साथ में इन्होंने कुलंजी वगैरह और ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं, लेकिन फिर भी ग्रीन चटनी ज़बरदस्त है फिश के साथ। ओहो, इसको थोड़ा डबोया, ज़्यादा लिपट गई, चेक करें। हरी मिर्च की जो खुशबू है ना, वैसे हरी मिर्च मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यस यार, क्या ख्याल है, इसको फोड़ दें, इससे ख़त्म कर लें। ठीक है, शाशलिक चिकन, शाशलिक, बिस्मिल्लाह। भूल गया, थाई का गोश्त इस्तेमाल किया गया है इसमें, इसीलिए बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ज़बरदस्त है। चिकन शाशलिक जो है ना, आप इस तरीके से अपने वेजिटेबल्स के साथ खाएं तो इसको आपने अलग ही इंजॉय करना है। और ऊपर इसके सॉस भी डाला हुआ है, बारबेक्यू सॉस डाला हुआ है। और इसका और भी थोड़ा सा काम बढ़ा दें, एक सेकंड बस, ये लाइन हो गई ना, इसको फिर हटा देंगे हम लोग, इस पर टूट पड़ेंगे थोड़ा सा, आगे बढ़ाना, इसीलिए आप कह रहे हैं, आपके आगे होता तो आप यहीं से शुरुआत कर। अब भाई को थोड़ा सा और लेट करवाएं इसके ऊपर, देखें यू लेमन, ओय होय होय होय। अब कहीं नहीं जाना, इधर ही आना। ले यार मेरा जूठा खाएं, वहाँ पर बढ़ेगी। ये वेजिटेबल्स के साथ आप जब शैशलेक खाते हैं, वहाँ से खुशबू आती है, मज़ा डबल ही होगा। ओए होए, कमारा होता ना मैं, तो और ज़्यादा मज़ा आता। शादी हो जाती आज, हॉल साथ ही है, हॉल साथ में ही है, फ्री में। ठीक है, अच्छा हमारी सबसे अच्छी स्पेशल ऑफर क्या है, आप फूड का पे करें, हॉल का नहीं पे करना। लोग शादी के लिए जाते हैं ना कि हमें हॉल का पे करना है, या हॉल का पे नहीं करना, आप 76 रियाल पे करें और अपने हाजियों को, अपने गेस्ट को बोले जितना खाना खाना है आप खाएं। यहाँ लोग अपने जो है हाजियों को भी लेकर आते हैं और पूरा हॉल बुक करते हैं और उसके अंदर जितना अनलिमिटेड आपने खाना है खाएं। आप अपना शादी भी करें, सिर्फ खाने का दें, ना आपको हॉल की टेंशन, ना ही आपको किसी और चीज़ की टेंशन। आप सिर्फ आप दे रहे हैं कि शादी करें। जी बिल्कुल, आप और आपको नहीं, पहली शादी में आप कहाँ थे, दूसरी कह रहे करना। ये एक और हॉल है, अच्छा इस हॉल के अंदर हमने स्पेशली ये रखा है कि प्रोजेक्टर भी लगा देते हैं हम, अगर आपने जो है अपने मीटिंग्स भी करनी है ना, कोई बिजनेस मीटिंग वगैरह, बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं हम, प्रोजेक्टर भी यहाँ लगा के आपको दे। ग्रेट, तो यहाँ पे आप बिजनेस मीटिंग्स भी कर सकते हैं और कोई भी इवेंट है आप उसके लिए बुक भी कर सकते हैं, जो आपने इवेंट सेलिब्रेट करना है वो कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह तबारकअल्लाह, एक तो ये ना हाफ रिब केज है तकरीबन, एक साइड बकरे की पसलियों की, और इसकी ये जगह देखें, एक तो इतना नरम ये उतरता जाता है, और ओ हो ये देखें यार। अच्छा यहाँ से आप देखें, बकरा बहुत बड़ा नहीं है, वैसे ही केज से ही नज़र आ रहा है, लेकिन बकरा बहुत बड़ा नहीं है। अब्दुल भाई क्या बात है, आप बता दें मैं आप बता दें मैं खा लूँगा। ये लें, ये स्किन जो है ना, सारा मटेरियल इसके ऊपर लगा हुआ है, और इसके अंदर ये एक बोटी रख के इसके ऊपर लेमन, आ जाए कोई बात नहीं, आ जाए ये, ओए होए 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 होए, ये चीज़ इसमें एक ही बार में ख़त्म करते हैं क्या। देखा आधी थी बुढ़ा दी भाई ने, नाम नहीं पता भाई। देखें मैं बोलता हूँ, अच्छा तो है, मेरी कमज़ोरी भी है, मटन तो हमारी है ही कमज़ोरी भाई। ये ग्रीन चटनी के साथ इसको थोड़ा सा लगा के, खाली गोश्त, ये इस तरह की केज जो अगर किसी ने आना है हमारी वीडियो देखने के बाद, तो क्या सीन है इसका। बेसिकली ये वाली केज जो हमने रखी हुई है ना, ये हमने रखी हुई है, आप घर पे बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं, टू यू फ्री डिलीवरी, टू यू पे फ्री डिलीवरी, ओके, ओनली 60 रियाल पूरी केज, मतलब ये 60 रियाल पे करें, ये केज पूरी लें, पूरी केज आपको, ये कोई कम ऑफर नहीं है। इस मार्केट में ना बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, 60 रियाल में ये पूरी फ्री डिलीवरी घर पे, ऐसे ही है। कब तक फ्री डिलीवरी, ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, जब मर्जी मंगवाओ। जी बिल्कुल, मक्का में रहता हूँ, उधर भी आ जाएगी, मक्का में मक्का में नहीं आएगी, मक्का में। तो आप कोई ब्रांच खो रहे हैं मक्का में नेक्स्ट? इंशाल्लाह, हाँ रेगुलर कस्टमर हूँ मैं आपको, देख रहे हैं यार, इतना माल खाना है मक्का से आना पड़ेगा आपको। हाँ आ जाएंगे, आज नहीं आगे आ जाएंगे, मसला नहीं। ज़बरदस्त, और लगे हाथों यहाँ पर हमारे पास रेशमी कबाब भी हैं। अब्दुल भाई रेशमी कबाब यार
मिंट मैगरीटा पीने पे बड़ा लगे हुए, क्या बात है, इसमें है क्या, मैं भी देखूं। ये भी हरी मिर्ची का बना हुआ है। अच्छा, सेम भी कलर एक ही है, उसी का बना हुआ मिंट मैगरीटा। पाकिस्तान की याद आ जाएगी, पाकिस्तान में बहुत चलता है मिंट मैगरीटा। वैसे भी यहाँ पर ना ठीक ठाक टेस्ट जो है पाकिस्तानी टेस्ट रखा हुआ है, चाहे अरब जाके खाते हैं लेकिन आप लोगों ने टेस्ट पाकिस्तानी रखा हुआ है। रेशमी कबाब, बिस्मिल्लाह। यार आपने रेशमी कबाब खाया बताया ही नहीं, बस उड़ा गए। रेशमी रेशम की तरह घुल गया। मुझे वैसे ही यहाँ पर बारबेक्यू टुनाइट के रेशमी कबाब जो है ना बहुत पसंद है। पसंद के चक्कर में आपने अकेले नहीं खाना। अच्छा, भी दे देते जबरदस्त। हाँ हाँ, बहुत ज़बरदस्त यार। सेक कबाब सर लाएं। बिस्मिल्लाह। ये मैं हमेशा रोटी के साथ ही खाता हूँ। नान के, फिर नान क्यों उठा रहे हो इधर रोटी? मैं नान को ही रोटी बोलता हूँ। सेक कबाब माशाल्लाह। यार मटन वाली जो चीज़ है ना, उसने उसने हुमस के साथ नेक्स्ट लेवल मज़ा करवाना है। देखें इसके ऊपर ना, हुमस के ऊपर जनाब आला जैतून का तेल लगा हुआ है। ये बिस्मिल्लाह। हो गया, हो गया। प्लीज यार हुमस बहुत अच्छा बना हुआ है। मैंने अरब्स के रेस्टोरेंट्स पे भी खाया है हुमस, लेकिन आप लोगों का हुमस बहुत अच्छा है यार। ये बनाने वाला अरबी है कोई या पाकिस्तानी है? भाई हाँ, बहुत अच्छा है यार हुमस, बहुत अच्छा है। अरब से भी अच्छा बना हुआ है, मतलब जिस तरह का अरब्स बनाते हैं ना। इस भाई ने बनाया यार, बहुत। उसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए डबल। ये आ गई हमारी बटर चिकन, ये एक बोटी मेरी, एक हमारे भाई की। सही है। और इस तरफ आ गई हमारी निहारी। निहारी, निहारी की बोटी क्योंकि बड़ी होती है तो हम दोनों तकसीम कर। आप अपना एक कर लेना, मेरी दो कर लेना। निहारी की मटन है ना? मटन नहीं, बीफ है। बीफ, हाँ एक ही बात। रेड मीट है। ये निहारी है जनाब। निहारी की आपको पता है ग्रेवी जो है ना, वैसे ही बड़ी थिक ज़बरदस्त रिच ग्रेवी नज़र आ रही है। बटर चिकन की भी ग्रेवी जो है ना पतली नहीं हो रही। और इस तरफ है हमारे पास चिकन कड़ाही, लेग पीस। लेग पीस ऑफ कोर्स, हरी मिर्ची आपको पता है फिर। हाँ 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 हाँ, लें सर इसको ट्राई मारें, बिस्मिल्लाह पढ़ के। ओह थैंक यू। नान, नान जाहिर है आपको पता है नान ज़्यादा फेवरेट है। बटर चिकन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कढ़ाई पे आएंगे। आप ही करना, बिस्मिल्लाह। इफ यू डोंट माइंड बटर चिकन निहारी, मैं यहाँ से। ओ भाई मेरे लिए भी बचाओ यार। खैर दूसरा डाल। यार मैंने आपके लिए एक बोटी बचाई है, वो मेरी आप खा लो। चिकन छोड़ के बीफ ले गया भाई। ये छोटा सा पीस बच गया भाई निहारी का, ये भाई की नज़र से। अच्छा छोटा पीस नज़र में आता भी नहीं, कैसे बच गया। बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान की निहारी ज़बरदस्त है। हाँ निहारी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और इधर है हमारे पास चिकन कढ़ाई, लेग पीस, पतली वाली मिर्ची लगाई हुई है। तेज बहुत हो गई, बहुत तेज़ हो गई। हाँ टिकी है ना। ये आई हमारी कढ़ाई। कढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब कढ़ाई में ठीक ठाक मसाले आपको फील होते हैं। जहाँ तक आपकी निहारी और बटर चिकन है वो उसमें मुनासिब मसाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अरब्स भी होते हैं, बच्चे भी खाते हैं, तो निहारी और बटर चिकन बच्चों के लिए अरब्स के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये मेरी फेवरेट है। हाँ चिकन कढ़ाई जो है ना, ये आपको पूरे बराबर मसाले जैसे हमारे पाकिस्तान इंडिया वगैरह में होते हैं वो वाले मसाले आपको मिलते हैं इसमें। यार ये सलाद भी खा दो, सलाद मुरझा गई है बड़ी बड़ी। तो आपके कहने पे खा लेते हैं, वैसे हमें कोई शौक नहीं। फरीद भाई सिर्फ कढ़ाई रह गई माशाल्लाह, जल्दी निपटा दिए। सॉरी बिरयानी। काम खाया करो भाई। यार ये जो कढ़ाई की बोटी है ना, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए ये बिरयानी के ऊपर ही आएगी। एक हुमस का ले लेते हैं। हुमस ले लें भाई, हुमस जितना मर्जी लें आप। पूरा हुमस ही खाएं, मैं बिरयानी खा लेता हूँ। इतना अच्छा भी नहीं हुमस। यार हम आपको इतना अच्छा समझते गलती भी नहीं करना। चलें जी बिरयानी हाथ से अरबियों की तरफ। रीज भाई काबली देखा था। काबली, काबली यार, काबली पुलाव भाई के लिए थोड़ा सा मंगवा लें। ये बिरयानी की बारी आ गई भाई, आज तो हाथ से ही बिरयानी भी।
इसमें और आना चाहिए। मसाले हैं बिरयानी में लेकिन तीखी नहीं है, मतलब मुनासिब है, बच्चे भी आराम से इसको ना खा सकते हैं। फ्लेवरफुल है, फ्लेवर बहुत अच्छा है बिरयानी में। आलू वगैरह आपको पता है कराची की बिरयानी में आलू डाला होता है, बेसिकली पाकिस्तानी बिरयानी में आलू डाला होता है। ये काम ख़राब हो गया कि हम लोगों ने इसमें स्टार्ट कर दिया ये। चलो हमारी मंदियों की आदत बनी हुई है ना बात से। अब मिर्ची का रोल आ गया, बहुत मज़ेदार है यार, ज़बरदस्त। देखे तो नहीं थे ना मिर्ची, मेंटेन चेक करें यार। क्या मेंटेन? ठीक है ना देव, ठीक है मेंटेन। मटन आधा मेंटेन मतलब बड़ा प्रेजेंटेशन ना, प्रेजेंटेशन होती है प्रेजेंटेशन ना, वही है। तो आप क्यों उसकी मेंटेन खराब कर रहे हो? आपको एक अच्छा निवाला बना के देता हूँ, हाथ से देना। नहीं नहीं सब और ये देख, ये देख। हाँ ये या। नहीं आपके हिसाब का चम्मच माशाल्लाह। कैसा चम्मच कैसा, मैं ये पूछ रहा। सही है, सही है, मुझे चलेगा। अच्छा पुलाव ट्राई करें, बिस्मिल्लाह। पुलाव अच्छा बना हुआ, इसके ऊपर किशमिश वगैरह डाल के और गाजर डाल के ना एक अच्छा पुलाव बना हुआ है, लेकिन लाइट है थोड़ा सा। चलें यार हम लोग ये सलाद खाते हैं, आपसे आगे मीठे भी मिलते हैं। देख लें यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं मीठे में, लें आप जो भी लेंगे मैं उसी में ऐसे हाथ मार लूँगा। गुलाब जामुन चार चार, क्या हो ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है? चार चार। अच्छा? माशाल्लाह मा, चलो एक काम कर देता हूँ, वो जा ही नहीं रहा। आने दे, आने दो भाई। भाई चम्मच से लोग खाते हैं यहाँ पर, लोग चम्मच से खाते हैं। आपने पता ही क्या किया, देखें आपने यूं उठाया है और यूं खा लिया, ऐसे नहीं खाते। अच्छा मेरा एक दोस्त कह रहा था लोग चम्मच से खाते हैं, भाई लोगों का मसला है, मेरा नहीं है। गरम गरम टेस्टी करते, बहुत मज़ेदार है यार गुलाब जामुन। हाँ 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 मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे अच्छे गुलाब जामुन नहीं खाया। अच्छा कौन से इससे अच्छे, ये वाले इससे अच्छे आपने नहीं खाए? मैं चेक तो करूँ क्या। आप हमेशा वीडियो में कहते रहते हो मैं मीठे का शौकीन नहीं हूँ, मैं किधर गई आपकी बातें। गरम गरम गुलाब गरम गरम गुलाब जामुन कौन छोड़ता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लोगों को भी खाने दो। एक और भाई, लो भाई डबल शिफ्ट लगा रहे हैं, तो फाइनल सुन्नत के मुताबिक तीन। खजूर नहीं है ये, क्या कर रहे हो भाई, साथ में चोरी कर रहे हो क्या? आपने बोला भाई साथ ले जाने वाला सीन नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे खा सकते हो। गाड़ी में खाना है यार, गाड़ी का। अच्छा इसका पे कर देंगे, ये वैसे है कितने का? चार ग्यारह के, ग्यारह के है ना यार, इसमें सिर्फ आपने चार लेने हैं, चार पीस ग्यारह रियाल के हैं, ठीक है, वो भी डिस्काउंट के साथ। 30% डिस्काउंट ले भाई, मसला नहीं है यार। वहाँ से भाई ने मेरा 76 रियाल में काम हो गया, इधर गुलाब जामुन पे आके जो है आपने बने है ना। हाँ आपने बोला था जितना खाना है करें, इधर जितना खाना है, ये नहीं कि साथ में। मैं साथ में इधर ही खा लेता हूँ, चिपक के इधर पीछे ही खा लेता हूँ, आप पे करें प्लीज यार। भाई इनसे पैसे लें। चलें जी खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और भाई ने तो देखें यार क्या फ़ायदा उठाने के चक्कर में साथ में गुलाब जामुन भी ले लिए, ये गलत है वैसे। भाई ये वीडियो को पीछे ले गए, भाई ने क्या बोला था, जितना खा लो खा लो। हाँ जो खा लो, साथ ना ले लो। मीठे का नहीं बोला था आपने, सिर्फ तीखे का बोला था, मीठा तो एंड में होता है ना, तो मीठा का मीठा भाई मोड के हिसाब से मैं खाता हूं। वैसे गुलाब जामुन बहुत मज़े के हैं, और खाना भी आप स्पाइसी मज़ेदार मसालेदार खाएं और फिर आखिर में मीठे से उसको जो है ना ऊपर तय लगाएं तो बहुत मज़ा आता है आपको। चलें जी अगर आप मज़ीद जद्दा की वीडियोस देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जद्दा के खाने, जद्दा में कौन कौन सी जगह हैं घूमने फिरने के लिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करके मज़ीद वीडियोज़ देख सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़। आपने किए कब से कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरी फातर सब्सक्राइब छोड़ें ना। हाँ मुझे छोड़ें आपके लिए, मेरे खातिर चलें।